दोस्तों, जब से ऑटो एक्सपो सीजन एक्सपायर हुआ है तब से लेकर महिंद्रा ने रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक के बाद एक गाड़ियों को शोकेस किया जा रहा है। हालांकि हम सभी को यह चीज पता है कि महिंद्रा का जो बर्न ईवी यानी कि बर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियां है वो कैसा है। बेसिकली फुल इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको बेस करके बनाई गई है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी गाड़ियों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको देखकर आप भी बोलने लगोगे महिंद्रा ने क्या चीज बना डाली यार। Here is the Mahindra B-Rally, जो कि हाल ही में महिंद्रा ने ऑफिशियली अनवील करी है। एंड दोस्तों, पिछले साल अमेरिका में 15 अगस्त के दिन में इसको अनवील किया गया था। अगर आप पहले तौर पर इस गाड़ी को देखते हो, देखने में बहुत ही खूबसूरत सा है एंड आपको ये चीज पता लगने वाला है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक ऑफ रोडिंग गाड़िया है जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी होते हैं, बहुत ही स्पेशल कार है। तो अभी भी ये कॉन्सेप्ट स्टेज में है। जो रैली इंस्पिरेशन है वहां से इंस्पायर होकर इस गाड़ी को बनाई गई है। खास करके इंडियन जो रैली लेगेसी है यानी कि कॉम्पिटिशन वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसको ध्यान रखकर महिंद्रा ने इसको बनाने की एक छोटी सी प्रयास किया है। अगर आप इस गाड़ी को साइड प्रोफाइल से देखोगे तो कूपे साइज में सी प्लस स्लोपिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो दोस्तों शुरू करते हैं इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल डिजाइन लेआउट से। ठीक है, तो जो इसका डे टाइम रनिंग एलईडी डीआरएल है वो आईब्रो शेप जैसा है। नीचे जो मेन हेडलैम्प्स ऑफर की गई है ये तो कमल हो गई जी। पूरे थार वाले राउंड राउंड मॉडिफाइड हेडलैम्प्स दे रखी है एंड जो कि आफ्टर मार्केट होते हैं, जो हेडलैम्प्स हम थार में इंस्टॉल करते हैं वैसा कुछ लग रहा है। अंडरनीथ सेक्शन पर सिल्वर कलर का बम्पर यहाँ पर प्रोवाइड की गई है आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा नेक्स्ट लेवल लुक यहाँ पर दर्शा रहा है। इसके अलावा ऑरेंज कलर में टोइंग हुक ऑफर की गई है। एक ग्रे डिजाइन से में ग्राफिक्स ऑफर की गई है। डे टाइम डीआरएल को पियानो ब्लैक फिनिश से कनेक्ट किया हुआ है। जो अपर सेट में बी का बैजिंग आपको देखने को मिलती है एंड जो बोनेट का डिजाइन है काफी ज्यादा स्लोपिंग टाइप में यहाँ पर डिजाइन को बरकरार रखा गया है। एक रिफ्रेशिंग एंड डिफरेंट टाइप का डिजाइन एंड एम्बलिंग आप बोल सकते हो इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, अच्छी बात है जो रूफ रेल्स है, रूफ रेल्स में भी आपको ऑफ रोडिंग लाइट प्रोवाइड की गई है। सच में दोस्तों काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है जब आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हो यानी कि सैंड में, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल ऑप्शन साबित होने वाला है। अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल के बारे में तो बोल शेप में यहाँ पर क्लाइडिंग ऑफर की गई है जो कि इस गाड़ी को और भी ज्यादा मस्कुलर एंड रगडनेस का अपीलिंग देती है। दोस्तों, इसके अलावा 18 इंचेस का टायर्स आपको देखने को मिलेगी व्हिच इज फ्रॉम मैक्सिस एंड ब्लैक्ड आउट ग्रिल्स भी ऑफर की गई है। ओवरव्यू का जो डिजाइन है सिंपली ग्लॉसी बैक फिनिशिंग के साथ यहाँ पर देखने को मिल जाता है एंड जो क्लाइडिंग का कलर है काफी चमकी सा है एंड बोल्स है बोल्ड कलर में यानी कि ग्रे कलर में यहाँ पर फुटपैड ऑफर की गई है जो कि पूरा ही मेटल का बना हुआ है एंड मेरे को तो डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगे। नियॉन कलर का बी का बैजिंग भी नीचे प्रोवाइड की गई है। काफी सारे ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया हुआ है। डोर हैंडल्स को फ्लैश टाइप में बनाई गई है ताकि आपको और भी एरोडायनामिक सपोर्ट मिल सके, ऐसा इसलिए। दोस्तों, रियर वाला डोर हैंडल्स जस्ट लाइक टाटा अल्ट्रोस। रूफ में जो कैरियर प्रोवाइड की गई है एंड रूफ में जो रैक इंस्टॉल किया हुआ है उसमें पबड़ा जिसको हम बेलचा कहते हैं तो वो भी अपर ब्रांड ने ऑफर किया एंड एक इमरजेंसी स्पेयर व्हील भी मिल जाते हैं। नाउ दोस्तों, रियर प्रोफाइल में ब्रांड ने क्या कुछ कमाल करी है उसको तो एक बार देखना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ऊपर मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, जो बैटरी पैक यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। हालांकि एक कॉन्सेप्ट है बट हो सकता है आफ्टर फाइनल लॉन्च यहाँ पर एक्स्ट्रा बैटरी पैक भी आपको एक्सेसरी तौर पे परचेस करना होगी एंड आपको मिल जाएगा। अरे भाई साहब, इतना मोटा वो क्या था, छोड़ो। क्लाइडिंग ऑफर की गई है, जो पीछे वाली क्लाइडिंग काफी चौड़ाई है एंड दोस्तों पीछे से बहुत ही स्टडी पावरफुल मजबूत सा ऑफ रोडिंग गाड़ियां महसूस होगी। भर भर के ऑफ रोडिंग एलिमेंट्स इस गाड़ी के अंदर ब्रांड ने डाली हुई है। जो ब्लैक शॉपिंग है ब्लैक कलर ग्लास में यहाँ पर आपको नजर में आएगा। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर यहाँ पर डाली हुई है। बेसिकली नियॉन एंड ग्रीन येलो स्टोन का कलर कॉम्बिनेशन है एंड दोस्तों प्योर इलेक्ट्रिक कम्स उनका बैजिंग है। ऐसा इजीली मिलता है क्योंकि ये डेवलपिंग स्टेज में है तो ये गाड़ी फिर से घर चली जाएगी। बी का बैजिंग है पीछे में भी मिल जाते हैं एंड ये मेरे हिसाब से ग्लो करना चाहिए आफ्टर गोइंग टू द फाइनल लॉन्च। कनेक्टेड एलईडी बार विथ टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं बट सिमलेसली है यानी कि अलग से कोई भी टेल लैंप सेक्शन ऑफर नहीं की गई है। ये बार से स्प्लिट होकर ये अलग से ग्लो करेंगे। अंडरनीथ सेक्शन पर रेयर बम्पर ऑफर की गई है। काफी एसी सा मस्कुलर एंड बोल्ड अपीलिंग दे रहा है एंड अलग अलग कलर एलिमेंट्स यहाँ पर लगा हुआ है। ऑरेंज है, ग्रे है, काफी ज्यादा ग्रे है, स्पोर्टी सा लुक है। दोस्तों कॉम्प्लीट पैकेज है लेकिन सॉरी टू से इंटीरियर मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता। उसका फुटेज एंड इन्फॉर्मेशन अभी तक ब्रांड ने कोई भी खुलासा नहीं करी है, ऐसा इसलिए। जब मेरे पास अपडेट आएंगे तब जरूर आपको
चीज बता दूंगी। इस गाड़ी में टिंटेड ग्लास ऑफर की गई है, इसलिए जो लुक है काफी ज्यादा बढ़िया एंड खूबसूरत सा बन जाती है। एंड दोस्तों बेसिकली एक्सट्रीम ऑफरोडिंग गाड़ी है, तो मेरे हिसाब से 200 mm के ऊपर इसका ग्राउंड क्लियरेंस होना ही चाहिए। एंड दोस्तों एक बात आपको बताऊं, महिंद्रा इज नोन फॉर ऑफरोडिंग एडवेंचर, तो उसको भी दोबारा से रिप्रेजेंट करने की प्रयास यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसको भी ध्यान रखा, जो इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली के साथ साथ आपको एक बेहतरीन ऑफरोडिंग एक्सपीरियंस मिल सके। तो ऐसा कुछ सोच के महिंद्रा ने इस गाड़ी को ले आने की सोचे है, यानी कि उन्होंने प्रोटोटाइप को इसे उन्होंने शोकेस किए है। एंड मेरे ख्याल से ये गाड़ियां तहलका मचेगी आफ्टर लॉन्च, एंड 2026 से पहले तो नहीं आएगा लिटरली। दोस्तों महिंद्रा ने कुछ ऐसा करेगी ये इतना ज्यादा उम्मीद मेरे को नहीं थी। तो दोस्तों भले ही आप एक बात मेरे से एग्री करें या फिर ना करें, डिनाई करें, बट हमेशा से मैं अपने देशों का जब भी कोई भी नया नया चीजों के बारे में इनोवेशन देखता हूँ, सुनता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मेरे पास जब इन्फॉर्मेशन आता है तो सुनने में काफी ज्यादा अंदर से गर्व होती है। वैसे दोस्तों आपका क्या ख्याल है, कि आप बी रैली को लेना पसंद करेगी? एंड डू शेयर योर पर्सनल ओपिनियन बिलो द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज एनफ फॉर टुडे। बाय बाय दोस्तों, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।